Hello everyone, welcome to the next video of our operating system course. And in this video we will be discussing about inverted page tables. So यार अभी तक हम लोग अपना पेजिंग का कंसेप्ट पढ़ चुके हैं. हम लोगों को पता है कि पेज टेबल होता क्या है. तो पेज टेबल का कंसेप्ट अगर हमें क्लियर है तो उसी से हम लोग अपना इन्वर्टेड पेज टेबल क्या होता है वो समझने की कोशिश करेंगे. इन्वर्टेड पेज टेबल का जो कंसेप्ट है ना वो बहुत बहुत सिंपल सा है. इट्स जस्ट अगर हमें पेज टेबल का कंसेप्ट अपना क्लियर है तो हम लोग इन्वर्टेड पेज टेबल के कंसेप्ट को बहुत आसानी से समझ लेंगे. सो लेट्स सी होता क्या है. या देखो हम लोग ना अभी तक ये चीज देख चुके हैं कि हमारे पास हर प्रोसेस को के लिए अपनी एक इंडिविजुअल पेज टेबल होती है. ठीक है, या फिर मैं थोड़ा ढंग से बोलूं इस बात को तो मैं ये कहूंगी कि मैं जब अपने प्रोसेस को नंबर ऑफ पेजेस में ब्रेक करती हूँ तो उन पेजेस की इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए मेरे पास पेज टेबल होती है. इसे मैं अपने प्रोसेस को अगर बुक से कंपेयर करूं, मैं ये कह रही हूँ कि यार जैसे मेरे पास एक बुक के बुक में नंबर ऑफ चैप्टर्स होते हैं और उन चैप्टर्स की इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए मेरे पास एक इंडेक्स होता है, उसी तरह से मेरे पास यहाँ पे एक प्रोसेस है. एक प्रोसेस को मैंने नंबर ऑफ पेजेस में ब्रेक किया है और उन पेजेस के इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए आई हैव अ पेज टेबल. ठीक है, तो जैसे हर बुक के लिए अपना एक अलग इंडेक्स होगा उसी तरह से हर प्रोसेस के लिए अपना एक अलग पेज टेबल होगी. बिल्कुल सही बात है. ठीक है ना, ये वाली बात क्लियर है अभी तक. ठीक है, अभी अब मैं क्या कह रही हूँ, ये हमने पहले देखा था कि जो हमारी पेज टेबल होती है इसे हम लोग मेन मेमोरी में स्टोर करते हैं. मेन मेमोरी में कैसे स्टोर करते हैं, हमने देखा ये लेट से ये हमारी मेन मेमोरी है. मेन मेमोरी को हम मल्टीपल फ्रेम्स में डिवाइड करते हैं और एक पेज टेबल को हम लोग एक फ्रेम में स्टोर कर पाते हैं. ठीक है, लेट से आई हैव 10 प्रोसेसेस. ठीक है, तो 10 प्रोसेसेस की कितनी पेज टेबल्स होंगी, 10 पेज टेबल्स होंगी. क्लियर है वाली बात अभी तक. ठीक है, अब उन 10 पेज टेबल को स्टोर करने के लिए मेरे को एटलीस्ट 10 फ्रेम्स तो चाहिए ही होंगे. ठीक है, क्योंकि हर पेज टेबल अपने एक फ्रेम में रहेगी जाके. ठीक है, क्लियर है वाली बात. तो बेसिकली इस तरह से होगा क्या, इस केस में अगर हम इस चीज को ढंग से समझें, मेरे पास जो मेन मेमोरी है वो तो बहुत लिमिटेड है. ठीक है, अब उस लिमिटेड मेन मेमोरी में मेरे को पेज टेबल भी स्टोर करनी है और पेजेस को भी स्टोर करना है. तो जितनी ज्यादा मेरी पेज टेबल्स होंगी उतने ज्यादा कम स्पेस होगा मेरे पास पेजेस को स्टोर करने के लिए. ठीक है, क्लियर है वाली बात. मैं ऐसे कह रही हूँ कि यार मेरे पास अगर मेन मेमोरी में 10 फ्रेम है, ठीक है, और मेरे पास अगर 4 प्रोसेस आ गए तो मेरे इन 10 फ्रेम में से 4 फ्रेम्स तो पेज टेबल ही ऑक्यूपाई कर लेंगी. बचे 6 फ्रेम्स में मेरे को अपने पेजेस को स्टोर करवाना होगा. तो इस केस में हो क्या रहा है, बेसिकली यार मेरी 40% फ्रेम्स तो पेज टेबल से ही ऑक्यूपाई हो गए हैं. ओनली इन द 60% ऑफ द फ्रेम्स आई कैन कीप माय पेजेस. इसे मैं एक डायग्राम से और अच्छे से विजुअलाइज करवाऊं अगर. एक सेकेंड. हाँ, तो यार इसे अगर मैं एक एग्जाम्पल से समझाऊं इस चीज को, आई विल बी सेइंग कि यार मेरे पास 4 प्रोसेस हैं, उन 4 प्रोसेस के लिए मेरे पास 4 पेज टेबल होने वाली है. ठीक है, और अब इन पेज टेबल्स को मेरे को 4 फ्रेम्स तो लगेंगे ये ऑक्यूपाई स्टोर करने के लिए. तो बेसिकली मेरे 10 फ्रेम में से 4 फ्रेम तो सिर्फ और सिर्फ पेज टेबल्स ने ऑक्यूपाई कर लिए एंड आई हैव 6 फ्रेम्स लेफ्ट टू स्टोर दीज पेजेस ओनली. ठीक है, तो इस केस में हो क्या रहा है यार, हमारा जो पेज टेबल्स है वो बहुत ज्यादा मेमोरी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं. ठीक है,
तो ये ताकि जो हमारी वेजिटेबल्स है वो कम स्पेस ऑक्यूपाई करें, हम लोगों ने कहा कि यार ऐसा नहीं होगा, सारी सारे प्रोसेस की अपनी अपनी एक अलग अलग पेज टेबल को हम स्टोर करवाएंगे फ्रेम्स में, वी विल हैव अ ग्लोबल पेज टेबल। ठीक है, हम ना एक ही पेज टेबल बनाएंगे और उस पेज टेबल में हम क्या करने वाले हैं, वेट, हाँ, हम लोग बेसिकली एक अपनी ग्लोबल पेज टेबल बनाएंगे और इस ग्लोबल पेज टेबल में हम क्या करेंगे, हम जितने भी पेजेस हमारे मेन मेमोरी में अभी एलोकेटेड है सिर्फ और सिर्फ उन पेजेस की इंफॉर्मेशन को स्टोर करेंगे। वो क्या करना चाह रहे हैं इसमें, जो हमारी मेन मेमोरी है जितने उसमें नंबर ऑफ फ्रेम्स हैं उतनी ही एक एक ग्लोबल पेज टेबल में एंट्रीज रख रहे हैं। ठीक है, और हर फ्रेम के लिए ये इंफॉर्मेशन रखी है कि उस फ्रेम पे कौन सा पेज नंबर है और वो पेज नंबर कौन से प्रोसेस को बिलोंग करता है। मैं वापस से समझाती हूँ, मैं ये कह रही हूँ बस कि यार पहले तो हम क्या कर रहे थे, हम हर प्रोसेस की अपनी अलग अलग पेज टेबल रख रहे थे, और हर पेज टेबल में हम क्या रख रहे थे बताओ मेरे को, हम हर पेज टेबल में ये रख रहे थे कि भाई कौन सा पेज कौन से फ्रेम में है, हमने ये मैप किया था। अभी हम ग्लोबल पेज टेबल में क्या कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कौन से फ्रेम पे कौन सा पेज रखा हुआ है और वो पेज कौन से प्रोसेस को बिलोंग करता है। बेसिकली हम बिल्कुल उल्टा काम कर रहे हैं। ठीक है, पहले हम एक पेज कौन से फ्रेम में रखा हुआ है ये बता रहे थे, ये स्टोर कर रहे थे, अभी हम कौन से फ्रेम में कौन सा पेज रखा हुआ है ये वाली इंफॉर्मेशन को स्टोर कर रहे हैं। तो बेसिकली इसी वजह से जो ये ग्लोबल पेज टेबल है इसे हम लोग इन्वर्टेड पेज टेबल बोलते हैं। ठीक है, इस केस में हो क्या रहा है यार, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक पेज टेबल है तो हमारा सिर्फ और सिर्फ एक फ्रेम ऑक्यूपाई होने वाला है इस ग्लोबल पेज टेबल को स्टोर करने के लिए। तो जहां पहले हम लोग चार पेज टेबल्स को स्टोर करने के लिए चार फ्रेम्स यूज कर रहे थे, वहां अब हमारा एक फ्रेम यूज होगा। ठीक है, तो बेसिकली इन्वर्टेड पेज टेबल के केस में जो हमारा मेमोरी है, मेमोरी स्पेस तो काफी कम ऑक्यूपाई हुआ, ठीक है, बट मेमोरी इन्वर्टेड पेज टेबल का एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। क्या ड्रॉबैक है, लेट्स डिस्कस दैट। यार ऐसे देखो, हमने अभी पीछे देखा था कि हमने एक ग्लोबल पेज टेबल तो बना ली, या ये कहें इन्वर्टेड पेज टेबल तो बना ली, इसमें मैंने हर फ्रेम के लिए इंफॉर्मेशन स्टोर कर ली, जैसे मैं हर पेज के लिए इंफॉर्मेशन स्टोर करती थी अपनी पेज टेबल में, यहाँ मैंने हर फ्रेम के लिए स्टोर कर ली। ठीक है, पर ऐसे सोचो अगर मेरे को ये ढूंढना है कि यार मेरा प्रोसेस 4 का पेज नंबर 3 कहाँ पे है, तो मेरे को इस अपनी पूरी ग्लोबल पेज टेबल में ट्रैवल करना पड़ जाएगा। ठीक है, बेसिकली मेरे को लीनियर सर्चिंग से ही पता चल पाएगा कि मेरा कौन से जो ये पेज नंबर है वो कौन से फ्रेम में रखा हुआ है, और ऐसा भी हो सकता है कि वो ना मिले। तो बेसिकली इसमें जो मेरा ये जो लीनियर सर्चिंग टाइम है ना वो बहुत बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। तो इसी वजह से जो हमारा इन्वर्टेड पेज टेबल का कंसेप्ट है ये कभी भी बहुत ज्यादा फेमस नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि इसमें जो हमारा ये ग्लोबल पेज टेबल का जो ये कंसेप्ट है ये टाइम बहुत ज्यादा ले रहा है, मेमोरी स्पेस तो कम कर दे रहा है, बट ये प्रोसेस मेरा टाइम टेकिंग बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो इस वजह से इन्वर्टेड पेज टेबल का जो कंसेप्ट है वो हमारा बहुत ज्यादा यूज नहीं हो पाया है। ठीक है, थैंक यू।